दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया है कि जब हम एक्सेल शीट में जब डेटा रहता है मेरा उसमें जब फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाने के बाद जो फिल्टर्ड करते हैं उसके बाद जो डेटा मुझे शो करता है, उस डेटा को अगर हम कॉपी करके दूसरे एक्सेल शीट में या उसी एक्सेल शीट में सेकेंड शीट थर्ड शीट पे जाके हम पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि फिल्टर लगाने से पहले जितने डेटा रहता है वो सारा डेटा वहाँ पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको कंप्यूटर में करके बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आप सॉल्यूशन बता देंगे, जब तक कि आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से पता नहीं हो तो सॉल्यूशन जानने से कोई फायदा नहीं होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम पहले क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है आपको डेटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, फिल्टर लगाने के बाद यहाँ से हम फिल्टर कर लेते हैं, जो मेरा ये टेक्निकल इंजीनियर रिपोर्ट है यहाँ पे हम वर्क कर लेते हैं, वर्क में फिल्टर लगा देते हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क वाला है सिर्फ उसी को मुझे देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे ये डेटा दिख गया, बाकी जो नेटवर्क वाला नहीं है वो हाइड हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करके दूसरे शीट पर पेस्ट करना है। ठीक है, हो सकता है आपका कोई और भी डेटा हो, किसी और चीज से रिलेटेड डेटा हो, लेकिन आपको फिल्टर लगाना हो या उसे कॉपी पेस्ट करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसे फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद देखिए यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, सिलेक्ट किए पहले, उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद सेकंड सीट में जाते हैं, सॉरी सेकंड में थर्ड सीट में जाते हैं, फोर्थ सीट में जाते हैं। और जब फोर्थ सीट में जाने के बाद इसको हम पेस्ट करते हैं, देखिए सारा डेटा आ गया। ठीक है, ये सारा डेटा आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये फालतू का था। तो देखिए आपकी जैसे हम इसे पेस्ट किए हैं यहाँ पे सारा डेटा आ गया, ना कि हम जो फिल्टर किए थे वही डेटा आया, बल्कि जो जितना डेटा पहले था उसमें उतना ही आ गया। ठीक है, तो अब क्या है कि देखिए हम आपका इसमें जो डेटा है वो बता देते हैं, आप देखे भी होंगे, ये देखिए इतना डेटा है ये सारा कॉपी होके इधर आ गया। ठीक है, जितना हम फिल्टर किए थे उतना ही नहीं आया, सारा डेटा आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम फिल्टर लगाएं, फिल्टर लगाने के बाद जो डेटा मुझे शो करे वही डेटा सिर्फ कॉपी हो और उसको जब हम पेस्ट करें तो उतना ही पेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं फिल्टर। ठीक है, हटाए, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिनेम में ओरिजिनल डेटा। ठीक है, ओ आर दे दिया हूँ, ओ आर जी एन एल ओरिजिनल डेटा। ठीक है, स्पेलिंग जो भी हो इसको दे देते हैं टेस्ट। ठीक है, और यहां हम इसको कर देते हैं डिलीट, सबको डिलीट कर दें यहां से। सेकंड सीट में आएंगे पेस्ट करने के लिए, देखिए ओरिजिनल डेटा मेरा ये है, यहां पे हम लगाते हैं फिल्टर। ठीक है, फिल्टर लगा दिए, अब यहां पे हम सेलेक्ट करते हैं नेटवर्क, यहां पे सिर्फ नेटवर्क वाले, नेटवर्क या इंटरनेट वाले जो इंजीनियर है सिर्फ उसी को मुझे देखना है, तो कर दिए। अब क्या है कि जितना डेटा मुझे शो किया है सिर्फ यही डेटा मुझे कॉपी करना है, बाकी का नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट किए उसके बाद आपको कंट्रोल सी यानी कॉपी करने से पहले आपको ऑल्ट और सेमी कोमा प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्ट प्लस सेमी कोमा, ठीक, ऑल्ट प्लस सेमी कोमा प्रेस किए उसके बाद ऑल्ट सॉरी कंट्रोल सी कर दीजिए। पहले हमने क्या किया, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको सेव करते हैं, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने लगाए यहाँ से फिल्टर। ठीक है, फिल्टर लगाए उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट किए जो मुझे चाहिए, नेटवर्क इंटरनेट वाले इंजीनियर चाहिए, उसको यहाँ पे सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ से हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस सेमी कोमा प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस सेमी कोमा प्रेस करना है, उसके बाद कॉपी करना है, या तो माउस से कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी प्रेस किए हम, तो देखिए ये बता रहा है जो डेटा मेरा अभी दिख रहा है वही कॉपी होगा, जो इसमें पूरा है वो कॉपी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से कंट्रोल सी किए, अब जाते हैं पांचवें शीट पे और यहाँ पे कर देते हैं हम इसे पेस्ट। तो देखिए जितना मेरा इंटरनेट वाला था वही आया, मतलब कि जितना हमने फिल्टर्ड किए हैं फिल्टर्ड के बाद जो मुझे रिजल्ट दिखा है वही रिजल्ट सिर्फ यहाँ पेस्ट हुआ है। तो इस तरह से आप भी
कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट के लिए आपको मैं बता दिया हूँ, कंट्रोल सी करने से पहले एक बार ऑल्ट सेमी कॉमा प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद कॉपी कीजिएगा, फिर पेस्ट कीजिएगा, तो वही डेटा आपका पेस्ट होगा जो आप फिल्टर्ड करके देखे हैं।